This is Minecraft, but smelting is extremely OP. आज अगर हम लोग Minecraft के अंदर किसी भी चीज को smelt करेंगे तो वो हम लोगों को देगी random enchantment, वो भी level 1000 की। वो enchantment हो सकती है looting 1000 की या फिर fortune 1000 की, कोई भी random enchantment हम लोगों को मिल सकती है। तो क्या हम लोग उन random enchantments को use करते हुए Ender Dragon को beat कर पाएंगे या फिर नहीं, आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहना ये पता लगवाने के लिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जरूर से वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यार ये देखो कितने ज्यादा लोग हमारे चैनल की वीडियोस तो देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू आवर वीडियो। एंड गाइस वी आर फाइनली इन आवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड। और यार देखो ये है हम लोगों की खूबसूरत सी वर्ल्ड। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ी सी वुड को काट लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी चीजों को स्मेल्ट भी करेंगे। हम लोगों को फर्नेस की जरूरत नहीं होगी, हम लोगों को चाहिए होगा एक ब्लास्ट फर्नेस जिसके अंदर हम लोग चीजों को स्मेल्ट करेंगे तो वो हम लोगों को देगी रैंडम एन्चेंटमेंट्स लेवल 1000 की। हो सकता है यार हम लोगों को अपने आर्मर के ऊपर यार थोन्स 1000 मिल जाए, तो एंडर ड्रैगन अगर मुझे एक अटैक करेगा तो यार वो गया बस, यार मुझे उसको अटैक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और यार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली आज की वीडियो। और यार देखो इस तरफ मुझे एक ऑलरेडी लावा पूल मिल चुका है। और यार अब मैं अपनी यार चीजों को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। अब यार सुपर स्लो मेरे यार वुडन टूल्स आ चुके हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा डीप जाता हूँ या थोड़े से कोबलस्टोन को क्रैक कर लेता हूँ। एंड गाइस फाइनली काफी ज्यादा कोबलस्टोन को कलेक्ट करके मैं फाइनली आ चुका हूँ ऊपर की तरफ। और यार अब मुझे थोड़े से आयरन की जरूरत होगी क्योंकि हम लोगों को बनाना होगा एक ब्लास्ट फर्नेस। यार हम लोग अपनी चीजों को ओपी इस तरह से बना सकेंगे कि हम लोगों को ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कोल वगैरह को डालना होगा, और यार अपनी जिस आइटम के ऊपर हम लोगों को लेवल 1000 की एन्चेंटमेंट चाहिए उसको डालना होगा। देखना फिर इतनी ज्यादा कमाल की एन्चेंटमेंट्स हम लोगों को मिल जाएंगी। यहाँ पे थोड़ी सी शीप्स हैं यार जो कि बेड बनाने के काम आएंगी, इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। और थोड़ा सा खाना भी हम लोगों को चाहिए होगा, इसलिए यार मैं इनको मार देता हूँ जल्दी से। यार देखो जानवरों को मारते मारते मुझे एक चीज नजर आई है, वहां पे देखो यार हम लोगों को एक विलेज मिल चुका है। यार ये तो बहुत ही जरा ओपी है यार, अभी तो हम लोगों को विलेज के अंदर हो सकता है ब्लास्ट फर्नेस वैसे ही यार बना बनाया मिल जाए। और यार वैसे हम लोगों को आयरन तो मिल ही जाएगा 3-4, और यार हम लोगों को थोड़े से और आयरन की जरूरत होगी। मेरे पास थोड़ा सा खाना कलेक्ट हो चुका है लेकिन विलेज के अंदर तो हम लोगों को आराम से यार खाना मिल जाएगा। और गाइस अब यार मैं जल्दी से सारे के सारे विलेज को मैं अच्छे तरीके से चेक कर लेता हूँ यार यहाँ पे हम लोगों को ब्लास्ट फर्नेस मिलता है कि नहीं। यार देखो यार दूसरे घर के अंदर ही मुझे ब्लास्ट फर्नेस मिल चुका है। यार ये बहुत ज्यादा ओपी है यार ब्लास्ट फर्नेस जो सा है। और गाइस यार अब यहाँ पे मुझे आयरन गोलम अंकल भी मिल रहा है। ओए ये क्या हुआ, नूब गजब बेइज्जती है यार। वैसे मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई यार, वहाँ पे मेरा स्पॉन था और यहाँ पे मेरे मुंह के सामने बिल्कुल विलेज था, इसलिए मैं आराम से आ चुका हूँ विलेज के अंदर। लेकिन आयरन गोलम लगता है अभी भी नाराज है यार। नाराज तो मुझे होना चाहिए उससे यार, उसने मुझे मारने की हिम्मत भी किस तरह की, इतने जरा शरीफ से बच्चे को उसने मारने की हिम्मत भी किस तरह की। अब यार तू बच के दिखा ले, मेरी एक्स वहीं पे कहीं पे रह गई। अब यार मुझे पिकैक्स से इसको मारना पड़ेगा। यार बेचारे आयरन गोलम की पहले तो विलेज के अंदर इतनी जरा इज्जत हुआ करती थी, लेकिन यार अब ये पिकैक्स से मर चुका है यार मेरे हाथों। अब यार इसकी सारी की सारी इज्जत गई। और गाइस यार अब मेरे पास एक्स कलेक्ट हो चुकी है। नहीं यार मेरी एक्स कहाँ पे गई। तो यार अब मैं जल्दी से सारे के सारे विलेज को लूट लेता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को फ्री का खाना मिल जाएगा जैसा का अभी मिल चुका है। और यार थोड़ी देर में हम लोग अपने सारे के सारे टूल्स को भी स्मेल्ट करते हैं और यार देखते हैं हम लोगों को थोन्स वगैरह मिलता है कि नहीं। यार विलेजर कितने जरा बूढ़े होते हैं ना, यहाँ पे देखो यार जानवरों को इन लोगों ने ट्रैप करके रखा हुआ है, इनको मैंने आजाद तो कर दिया। जब यार इनका दिल करेगा ये खुद ही बाड़ी की तरफ चले जाएंगे। और यार यहाँ पे मुझे थोड़ी सी हेबेल नजर आई थी, ये सारी सारी हेबेल को मैं जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। और यार इसको मैं जल्दी से कन्वर्ट कर लेता हूँ ब्रेड के अंदर। एंड गाइस देखिए मेरे पास 20 ब्रेड आ चुके जो कि मुझे नहीं लगता कि इनफ होगी, थोड़ा सा और खाना चाहिए यार। ये जिन जानवरों को मुझे आजाद करना था उन्हीं को मारना पड़ेगा यार, ये भी दिन देखने थे मैंने। एंड गाइस फाइनली यार अब मैं यार स्मेल्ट करके देखता हूँ किसी एक चीज को। और गाइस लेकिन यहाँ पे देखो यार थोड़ा सा स्मूथ स्टोन लगा हुआ है जो कि थोड़े से और ब्लास्ट फर्नेस को बनाने में काम आएगा। और यार थोड़ा सा स्मूथ स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ और अपनी एक्स को डालते हैं। और यार देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को कौन सी इंचैनमेंट मिलती है। यार अनब्रेकिंग यार ये इतनी जरा अच्छी इंचैनमेंट नहीं है, चलो यार कुछ और ट्राई करते हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ पे रखेंगे यार ये नई इंचैनमेंट आ जाएगी। सिल्क टच इसकी भी जरूरत नहीं है, हम लोगों को यार एफिशिएंसी मिल जाए यार, यहाँ पे शार्पनेस मिल जाए, सिल्क टच मिल गई फिर से। चलो यार इसको फिर से चेंज करते हैं और यार देखते हैं हम लोगों को एफिशिएंसी यार यही तो चाहिए था यार। अब मैं जल्दी से अपनी पिकैक्स को भी जलाता हूँ और यार देखते हैं ये हम लोगों को क्या इंचैनमेंट देती है। यार इसमें भी एफिशिएंसी दे दो प्लीज यार, एफिशिएंसी लेवल 1000 यार इसको
मैं जल्दी से चेक करता हूँ यार, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी अभी यार। देखो ये देखना अब तबाही, अब यार देखो इस तरह मैं इसी तरह से यार इतना ज्यादा तबाही मचा सकता हूँ, इतना ज्यादा ओपी बन चुका हूँ यार। ये वुड भी मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी यार, मेरी एक्स में भी एफिशिएंसी 1000 है। और यार देखो अब यार अगर हम लोगों को एक एनविल मिल गया तो हम लोग यार सब कुछ आपस में यार कंबाइन कर सकेंगे यार, हम लोग 3-4 लेवल 1000 के इंचेंटमेंट्स को आपस में कंबाइन कर सकेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी होगा। और गाइस यार हम लोग इन्हीं इंचेंटमेंट्स को यूज करते हुए एंडर ड्रैगन को भी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से मारेंगे, इसलिए आप लोग यार वीडियो को एंड तक देखते रहना। और यार अगर अभी तक आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो यार लाइक जरूर से कर देना वीडियो को, और यार चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि यार हम लोगों को 300 के सब्सक्राइबर्स भी यार जल्दी से जल्दी पहुंचने, इसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत होगी। आप लोग यार जल्दी से आके सब्सक्राइब कर देना और बस यार लाइक कर देना वीडियो को यार, बस इससे मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। जस्ट देन एंड गाइस यार अब तो वुड को क्लट करना यार जरा सा भी मुश्किल नहीं है, एक क्लिक करना होगा 2 वुड हाथ में आ जाएंगी। और यार इसी तरीके से मैं इतना ज्यादा ओवर पावर्ड बन चुका हूँ। और यार हम लोग ना थोड़े से आयरन को ढूंढने के लिए चलते हैं, और यार हम लोग थोड़ा सा आर्मर बनाते हैं, उसको भी इतना ज्यादा कमाल का ओपी बना लेंगे ताकि जो भी मोब मेरे ऊपर अटैक करे यार वो खुद ही मर जाए। और यार इतना ज्यादा ओपी हम लोग आज बनेंगे और एंडर ड्रैगन के पास जाएंगे और उसकी पुंगी बजाएंगे, फिर वापस भी आएंगे। तो यार ये मेरी आ चुकी है एक स्वॉर्ड और यहाँ पे आ चुकी है एक शील्ड, और यार जल्दी से शील्ड को इक्विप कर लेता हूँ। और यार अब मैं जल्दी से अपना ब्लास्ट फर्नेस बाय की तरफ निकालता हूँ। यार मैं जल्दी से अपने स्वॉर्ड को स्मेल्ट करता हूँ यार, देखता हूँ इसके ऊपर हम लोगों को क्या इंचैनमेंट मिलती है। यार लूटिंग दे देना प्लीज यार, लूटिंग बेन ऑफ आर्थफोर्स यार, इतनी ज्यादा बुरी इंचैनमेंट्स दी है यार इन लोगों ने हमें। अब यार स्टिक को जलाते हैं और यार देखते हैं इससे हम लोगों को क्या मिलती है। नोट बैक यार, इसको मैं एक बार टेस्ट करके यार दोबारा से स्मेल्ट करूंगा यार, नोट बैक की वैसे जरूरत तो नहीं है, एक बार टेस्ट करते हैं यार। ये तो नीचे ब्लॉक से रुक जाएगी और यार ये दूर जाती रहेगी यार, देखते हैं ये कितने हजार किलोमीटर दूर जाती है। ये अटैक की ओए यार किधर गई शीप यार, इसके दोस्त कहाँ पे गए यार बेचारी, अब यार क्या करेगी इधर, इसको मैं भेज देता हूँ। यार कितनी जरा खतरनाक है ये वाली इंचैनमेंट यार, देखो ये शीप आपकी नजरों के सामने है ना, ये देखो यार अभी नहीं है वो, देखो यार अभी इसको ब्लॉक ने रोक लिया, नहीं तो यार इसने भी हजारों किलोमीटर दूर चले जाना था और वो भी वहां पे चलेगी। और यार देखो कितनी जरा कमाल की है नॉकबैक, लेकिन यार मुझे नॉकबैक की बिल्कुल भी नहीं जरूरत यार, इससे मैं अगर वो ब्लेज रोड को इकट्ठा करने के लिए जाऊंगा तो वो मुझसे दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से मेरे पास कलेक्ट नहीं हो पाएगा। और यार अब मैं ना किसी वगैरह यहाँ पे लूटिंग को ढूंढता हूँ, मैंडिंग की भी जरूरत नहीं है यार, अब यार मैं लूटिंग को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। लूटिंग यस फाइनली यार, इसके लिए तो यार मैं यहाँ पे आया था यार। यस फाइनली हम लोगों को लूटिंग एंचेंटमेंट मिल चुकी है यार, इसको जल्दी से क्लैट करते हैं। हम लोगों को ना आयरन के टूल्स वगैरह की जरूरत नहीं होगी यार, मेरे पास मुझे एक स्वॉर्ड की जरूरत होगी जो कि मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, इससे यार लूटिंग आ चुका है। एक बार खाना चेक करते हैं हम लोगों को जानवरों से कितना मिलता है। अब यार ये मैंने मारा इसको यार, खाना तो यार मुझे लगता है कम ही मिलेगा। अगर यार हम लोग एक ब्लेज को मारेंगे उससे हम लोगों को तकरीबन 15-20 ब्लेज रोड मिल जाएंगे यार, ये बहुत ही ज्यादा ओपी है। और यार अब मैं खाना भी बना के देखता हूँ यार, खाने में क्या होगा यार, खाना तो सादा यार मैं तो भूल ही गया था, खाना तो यार ब्लास्ट फर्नेस के अंदर पक ही नहीं सकता यार। मेरे पास एक आयरन बचा हुआ है, इसकी एक आयरन की शवल बना लेता हूँ और इसको स्मेल्ट करके कोई अच्छी सी एंचेंटमेंट ढूंढता हूँ इसके ऊपर। फाइनली यार मुझे अपनी शवल के ऊपर मिल चुकी है एफिशिएंसी 1000 और गाइस यार अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ यार, हम लोग शवल को भी ट्राई करते हैं। अब यार देखो ये है यार शवल हम लोगों की, इतने ज्यादा ओपी बन चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। और यार देखो इसी तरह हम लोग इतनी आसानी से नीचे की तरफ जा पाते। ओए यार मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया यार, हम लोगों के टूल्स अब बहुत ज्यादा जल्दी टूटेंगे यार। मेरी पिकैक्स की हालत देखो, और यार इस तरफ मुझे थोड़ा सा आयरन नजर आया, यार आयरन की पिकैक्स कोई बना लेंगे यार, इसमें क्या दिक्कत है। अब यार हम लोग थोड़ी देर में आयरन के आर्मर में भी यार कवर होने वाले हैं। और यार मुझे थोड़ा सा आयरन मिल चुका है, इसको मैं जल्दी से यहाँ पे स्मेल्ट कर लेता हूँ, इससे मैं कोई न्यू पिकैक्स बनाऊंगा और उसके ऊपर भी एफिशिएंसी 1000 लेने की कोशिश करता हूँ। यार देखो इस तरफ मेरी यार आयरन की पिकैक्स के ऊपर भी लेवल 1000 की एफिशिएंसी आ चुकी है। और यार हम लोग ना थोड़ा सा और आयरन ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों को यार फुली आयरन का आर्मर चाहिए। और यार इसी तरह मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो मुझे डैमेज भी मिलेगा। और यार मैं किसी केव को ढूंढने की कोशिश करता हूँ यार, यहाँ पे माइन करता यहाँ पे मुझे केव के साउंड्स आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे है केव। यार देखो अभी थोड़ी देर मैंने यार अपनी ये पिकैक्स को इस्तेमाल किया और यार देखो इसकी हाफ से भी कम हेल्थ रह चुकी है यार, ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सेफ होगा। अब यार मैं जल्दी से ऊपर चलता हूँ यार, ऊपर जाना ही मुझे लगता ठीक रहेगा। यार देखो इस तरफ मुझे एक फ्लेचर नजर आया, इससे मैं थोड़ी सी यार ये ट्रेड कर लेता हूँ यार, थोड़े से एरोस को निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक फ्लेचर अंकल थे जो कि यार एरोस की ट्रेड कर रहे थे, मेरे पास थोड़े से एरोस भी आ जाएंगे जिससे यार एंडर ड्रैगन को मारने में ज्यादा आसानी होगी। इस तरफ ये एरो वाले चाचा, इससे मैं जल्दी से ट्रेड कर लेता हूँ, मेरे पास एक स्टैक आ चुका है, ये इनफ होगा। अब यार मैं इधर से निकलता हूँ पहली फुर्सत में और यार मैं किसी केव को ढूंढता हूँ, वहां पे चल के हम लोग किसी आयरन को ढूंढते हैं, आयरन का फुल आर्मर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग यार लावा पूल की मदद से जाएंगे नेदर के अंदर और यार थोड़ी सी ब्लेज रोड वगैरह को इकट्ठा करेंगे और यार एंडर ड्रैगन को बीट करेंगे आराम से यार, बहुत ज्यादा आसान है यार एंडर ड्रैगन को बीट करना। यार देखो मैं एक न्यू विलेज के अंदर आ चुका
चुका हूँ और यार यहाँ पे मुझे एक मिल चुका है आर्मर जो कि मुझे बेच रहा है आर्मर। और यार यहाँ पे इतनी ज्यादा वुड है यार, मैं ना फ्लेचर्स को काफी ज्यादा वुड बेचता हूँ। और यार यहाँ पे मुझे एक और शिकार नजर आया, इसको मैं जल्दी से टपका देता हूँ। यार फाइनली मैंने यार आयरन गोलम को टपका दिया और यार इसने भी मुझे चार आयरन ड्रॉप करके दिए। यार इसका मतलब हम लोग यार यहाँ पे बना सकते हैं एक चेस्ट प्लेट। लेकिन यार चेस्ट प्लेट बनाने से पहले यहाँ पे मैं थोड़ी सी वुड को कलेक्ट कर लेता हूँ। यार यहाँ पे कोई फ्लेचर होगा कि नहीं? यार फ्लेचर अंकल मिलने तो चाहिए मुझे। तो यार ये देखो, ये जो उनसे अंकल है ना, यहाँ पे इनके पास दो पिग्स थे यार, उनको मैंने लूटिंग वाले स्वॉर्ड से मारा। मेरे पास चार से भी ज्यादा स्टैक यार यहाँ पे आ चुके हैं। और यार ये हम लोगों से ना पोचो पे ट्रेड कर रहे हैं। और यार मेरे पास इतने ज्यादा एमरल्ड्स आ चुके हैं और यार इन एमरल्ड्स से तो यार मैं माला माल हो जाऊंगा। और यार मैंने आर्मर को बाय करना था अभी के अभी। और यार चलो बाय कर लेते हैं आर्मर को और यार उसको भी इंचेंट करके देखते हैं हम लोगों को क्या मिलता है यार उसके ऊपर। और यार ये आ चुके हैं चेस्ट प्लेट, ये आ चुके हैं हम लोगों के शूज। और यार अब मैं जल्दी से यार इनको यहाँ पे इंचेंट करके देखता हूँ। यार मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड यार इनको इंचेंट करने के लिए। यार ये गई मेरी चेस्ट प्लेट और यार यहाँ पे देखते हैं यार इसके ऊपर कुछ भी नहीं मिला। यार ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ही डाला है मैंने इसको, यार मिला क्यों नहीं? यार ये तो मुझे लगता है कुछ बग हो चुका है यार, यहाँ पे ये काम ही नहीं कर रहा। यार वो जो उनसे अंकल थे वो है ही मनहूस थे यार, उनके ब्लास्ट फर्नेस के अंदर काम ही नहीं था कर रहा। और यार देखो अब मैंने ना अपने ब्लास्ट फर्नेस के अंदर काम करवाया और यार देखो प्रोटेक्शन 1000 मिल चुकी है और यार शूज को मिल चुकी है ब्लास्ट प्रोटेक्शन 1000। और यार अब मैं जल्दी से यार इसमें ना वो लेने की कोशिश करता हूँ, थोन्स 1000। यार ये देखो इस तरफ हम लोगों को मिल चुके थोन्स 1000। यार ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का बन चुका है। अब यार शूज को भी मैं ना फायर प्रोटेक्शन या फिर यार और कुछ अच्छी सी इंचेंटमेंट देता हूँ। फायर प्रोटेक्शन मिल चुकी है यार, चलो यार इससे गुजारा करते हैं। और यार अब मेरे पास यार मैंने खाना भी इतना ज्यादा बाय कर लिया यार उससे। और गाइस अब यार मैं जल्दी से निकलता हूँ। यार मेरा जो सा लावा पूल था वो तो मुझे मिल चुका था लेकिन उसको मैं यार भूल चुका हूँ, पता नहीं यार कहाँ पे है। मैं अपने वाले विलेज से इतना ज्यादा दूर निकल आया हूँ यार उस लावा पूल को ढूंढता। और यार यहाँ पे मुझे एक न्यू विलेज मिल चुका है, यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग शेडिंग भी कर लिया इतनी ज्यादा और यार इतना ज्यादा अमीर बन चुका हूँ। और यार अब मैं जल्दी से निकलता हूँ लावा पूल की तलाश में। तो गाइस मुझे एक केव मिल चुकी है और यार मैं जल्दी से इसके अंदर जाता हूँ। यार मुझे बस एक डायमंड की जरूरत थी और यार अब भी यार ये केव भी खत्म हो चुकी है। चलो यार मैं अपना ना लेवल 12 में चलता हूँ लेकिन उससे पहले मैं एक पिकैक्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ, इसके ऊपर यार एफिशिएंसी लेता हूँ। और यार एक और पिकैक्स को क्राफ्ट करता हूँ, इसके ऊपर यार मैं फॉर्च्यून को लेने की कोशिश करता हूँ। मुझे थोड़ा सा कोल भी मिल चुका है जो कि काफी ज्यादा हेल्प करेगा। यार मेरे पास एक ब्लास्ट फर्नेस है, चलो यार थोड़े से फर्नेस को क्राफ्ट कर लिया मैंने। और यार यहाँ पे मैं अपने आयरन को स्मेल्ट होने के लिए लगा देता हूँ, इसके बाद यार मैं एक और यार ब्लास्ट फर्नेस को क्राफ्ट कर लेता हूँ। यार देखो बिल्कुल भी देर नहीं लगी और मेरे पास फाइनली आ चुका है फॉर्च्यून लेवल 1000 और यहाँ पे आ चुका है एफिशिएंसी लेवल 1000। और यार अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक डायमंड चाहिए, उससे मैं अनलिमिटेड डायमंड्स को बना लूंगा। और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा आयरन भी स्मेल्ट होने के लिए मैंने लगाया था, इसको मैं जल्दी से कलेक्ट करता हूँ। और यार मैं जल्दी से चलता हूँ डीप केव्स के अंदर और यार वहां पे चल के मैं जल्दी से डायमंड्स को ढूंढने की कोशिश कर लेता हूँ। यार देखो इस तरह मुझे केव मिल चुकी है, फाइनली ये मुझे अटैक करेगा और ये गया खत्म। देखो यार ये है थोन्स 1000 का कमाल। और यार ये क्रीपर है यार, ये तो नहीं जाएगा यार। अब यहाँ पे ये तो फटके ही मर चुके हैं यार, कितने ज्यादा समझदार होते हैं ना क्रीपर। अब यार ये देखो ये भी फट चुका है और यार मैं भी मरने ही वाला हूँ बस। और यार अब मैं जल्दी से खाना खाता हूँ। और यार डायमंड्स को ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे आया था और मुझे इतने ज्यादा नमूने मिले और यार वो खुद ही मरी जा रहे हैं सारे के सारे मुझे मार के। और गाइस अब यार मैं यहाँ पे डायमंड्स को ढूंढने के लिए आया हूँ, जल्दी से मैं थोड़े से डायमंड्स को ढूंढता हूँ, उसको मैं यार फॉर्च्यून 1000 से माइन करूंगा। अनलिमिटेड डायमंड्स आ जाएंगे, उनके ऊपर भी अच्छी अच्छी इंचेंट्स लगाएंगे, फिर चलेंगे नेदर में। खत्म। तो यार आप लोगों ने देख लिया मैं कितने जरा बुरे तरीके से यार मर चुका हूँ एक क्रीपर से। और यार अब मुझे यार फिर से दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा। यार वो जो सा सामान था यार क्रीपर के फटने से सब कुछ जा चुका है और यार वो भी मुझे याद नहीं है कि वो जो सी केव थी वो है कहाँ पे। अब यार मुझे सब कुछ करना पड़ेगा दोबारा से, अब यार मैं सब कुछ दोबारा से कर लेता हूँ। यार इसमें बहुत ही ज्यादा देर लगने वाली है यार, सब कुछ मैंने इतनी ज्यादा मेहनत से इतना ज्यादा यार अच्छा आर्मर बनाया था लेकिन मैं एंडर ड्रैगन को मार के रहूंगा जो मर्जी हो। So guys, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने मेरी हालत देखी थी इतनी ज्यादा गरीबी में, लेकिन अब आप लोग मेरी हालत देखोगे इतनी ज्यादा अमीरी में। 3, 2, 1। और guys, देखो यार ये हूँ मैं, इतना ज्यादा अमीर बन चुका हूँ मैं। और यह मैं आप लोगों को इंचेंटमेंट्स दिखाता हूँ, इसके ऊपर है अनब्रेकिंग और यह मेरे हेलमेट के ऊपर है ब्लास्ट प्रोटेक्शन लेवल 1000, थोन्स 1000, प्रोटेक्शन 1000, वेदर फॉलिंग 1000, लूटिंग 1000, शार्पनेस 1000, एफिशिएंसी 1000, फॉर्च्यून 1000, एफिशिएंसी 1000 एंड एफिशिएंसी 1000 एंड अनब्रेकिंग 1000। भाई और यार आप लोगों के लिए एक बहुत ज़रा कमाल का सरप्राइज है, वो है ये। यार देखो इस तरफ है हम लोगों का खूब
खूबसूरत सा डायमंड इसके इर्द गिर्द के यार सारे के सारे ब्लॉक्स को मैंने तोड़ दिया है। और यार अब हम लोगों के पास आने वाला है एक डायमंड का आर्मर, यार इसको मैं 14,000 से तोड़ता हूँ और यार देखते हैं ये हम लोगों को कितने डायमंड्स मिले। यार काफी ज्यादा लग रहे हैं और 38 यार हम लोगों को 38 मिल चुके हैं डायमंड। यार एक यार डायमंड को मैंने माइन किया था 38 डायमंड। यार देखो सोच सकते हो इतना ज्यादा यार हम लोगों को डायमंड्स मिल चुके हैं। और यार ये जो सा आर्मर है ना आयरन का ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है, इसको भी मैं संभाल के रखता हूँ। और यार ये अब मैं डायमंड के आर्मर पे भी अच्छी अच्छी यार इंचेंटमेंट्स को लगाऊंगा। अब मैं जल्दी से इस तरफ सारा का सारा आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ और यार अब मैं जल्दी से सारा का सारा आर्मर स्मेल्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। और यार देखो फाइनली सारा का सारा डायमंड का आर्मर भी रेडी है इतनी जरा कमाल की इंचेंटमेंट्स के साथ। और यार टूल्स मैं अपने यही रखता हूँ और यार जल्दी से मैं अपने ये कमाल के ये भी उठा लेता हूँ ब्लास्ट फर्नेसेस को। और यार अगर आप लोग सोच रहे हो कि बस इतने डायमंड्स मिले थे तो आप लोग गलत हो यार, मुझे और भी काफी ज्यादा डायमंड्स मिले थे यार, इसको भी मैं जल्दी से माइन कर लेता हूँ यार। लेकिन इतने ज्यादा डायमंड्स की जरूरत नहीं है यार, देखो 3 थे यहाँ पे और यार इससे मुझे इतने ज्यादा मिल जाएंगे आप लोग सोच भी नहीं सकते। और गाइस देखो यार अभी तक 3 स्टैक से भी ज्यादा और यार 4 स्टैक से भी ज्यादा। अब यहाँ पे इसको मैं डायमंड के ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ जल्दी से। यार ये मेरे बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे यार थोड़ी देर के लिए। इस तरफ यार इतने ज्यादा लावा के पूल्स भी है और यार अब मुझे इतने ज्यादा लावा के पूल्स भी मिल चुके हैं। जल्दी से लावा के पूल से मैं एक नेदर पोर्टल को भी बना लेता हूँ, लेकिन साथ के साथ मैं थोड़ा सा गोल्ड भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और यार अब मैंने अपनी एक डायमंड की पिकैक्स के ऊपर लगा दी है एफिशिएंसी 1000 और यार देखो इतना ज़रा मेरे पास हो चुका है ये भी यार ऑब्सीडियन। और गाइस यार इसी तरीके से मैं बहुत ही ज़रा यार अमीर बन चुका हूं और ओवर पावर्ड बन चुका हूं। और गाइस इसी तरीके से यार इतना ज़रा ऑब्सीडियन मैं कलेक्ट कर लेता हूं, बस एक क्लिक करना होता है, एक क्लिक से एक ऑब्सीडियन टूट जाता है। नेदर फोर्ट्रेस ही हम लोग पोर्टल को बना के वापस आएंगे। और यार अब मैं जल्दी से बाहर निकलता हूं, वहां पे चल के मैं जल्दी से बना लेता हूं अपना पोर्टल। यार फाइनली मैं बाहर आ चुका हूं और इस तरफ मैंने अपना पोर्टल बना दिया। और गाइस यार अब मैं जल्दी से चलता हूं नेदर के अंदर, वहां पे चल के हम लोग जल्दी से ढूंढते हैं एक फोर्ट्रेस को, वहां से कुछ ब्लेज वगैरह इकट्ठा करेंगे। और क्या यार अब यहाँ पे इंडिया रेड फोर्ट्रेस के अंदर डाल दिया यार, ये रेड वाला बायोम मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पे ये पिगलिंस वगैरह होते हैं, होगलिंस वगैरह होते हैं। और यार अब मैं नेदर को छान मारता हूँ यार, जहाँ पे मुझे मर्जी फोर्ट्रेस मिले मैं उसको ढूंढूंगा और वहां पे जाके मैं जल्दी से यार उसको कलेक्ट करूंगा ब्लेज को। तो गाइस फाइनली बहुत ज्यादा देर के बाद मुझे फाइनली मिल चुकी है एक फोर्ट्रेस हमारे लिए। और यार अब मैं जल्दी से इसके अंदर चलता हूँ यार, यहाँ पे मुझे एक बंदा नजर आया, इसको मैं शार्पनेस वाली स्वॉर्ड का बताता हूँ यार। इसे पता ही नहीं है मेरे पास शार्पनेस 1000 है और ऊपर से मेरे पास एक और इंचेंटमेंट है यार जिसका नाम है लूटिंग 1000। और यार देखो मैं फाइनली आ चुका हूँ नेदर फोर्ट्रेस के अंदर और यार यहाँ पे मैं जल्दी से यार किसी ब्लेज स्पॉनर को ढूंढ लेता हूँ। वहां पे चल के हम लोग यार फिर ब्लेजेस को मारेंगे या सिर्फ उसे एक ब्लेज को मारेंगे या उससे जरा ब्लेज को मारने की हम लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास है लूटिंग 1000। यार मुझे सिर्फ और सिर्फ इस तरफ ना तकरीबन 5 गोल्ड के ओर्स नजर आए थे, इससे यार देखो मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना कम यार गोल्ड मिला है। चलो यार फिर भी कलेक्ट कर ही लेते हैं यार, हो सकता काम आ जाए। अब यार देखो इतना ज्यादा यार मेरे पास गोल्ड आ चुका है, इसको यार मैं जल्दी से गोल्ड के यार इंगट्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, सारे के सारे को यार ट्रेडिंग में काम आएगा। तो यार फाइनली देखो यार इस तरफ मुझे ब्लेज स्पॉनर नजर आ चुका है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ब्लेज को मारता हूं मैं और यार इससे मुझे इतने ज्यादा स्टैक मिल चुके हैं। और गाइस यार अब मैं जल्दी से यार चेक करता हूं, मेरे पास इतने ज्यादा स्टैक आ चुके हैं यार, थोन्स की मदद से ये भी सारे सारे मर चुके हैं। और यार इतने ज्यादा स्टैक यार ब्लेज रोड के, यार इतने की तो मुझे जरूरत भी नहीं थी यार बिल्कुल भी। और यार मेरे पास गोल्ड भी 64 ब्लॉक्स हैं और यार मैंने इससे ज्यादा यार कलेक्ट ही नहीं किया, मैं और भी कलेक्ट कर सकता था लेकिन मैंने कलेक्ट ही नहीं किया। और गाइस यार मैं इतना ज्यादा अमीर बन रहा हूँ और यार मैं एक विदर स्केलेटन को ढूंढ के उसको भी मारना चाहता हूँ यार कि वो हम लोगों को यार कितने विदर स्कल्स देगा, वैसे तो यार इतने ज्यादा रेयर होता है वो। और यार ये आराम से इस तरफ आवारा गर्दियां करते रहे और यार मैं किसी विदर स्केलेटन को ढूंढ के उसको जल्दी से मारता हूँ, उसके बाद ट्रेडिंग भी करते हैं। यार देखो ये है मेरी शार्पनेस वाली स्वॉर्ड और यार इसका डैमेज है 506। और यार अब मैं जल्दी से चलता हूँ, ये सामने की तरफ मुझे एक विदर स्केलेटन चचा नजर आए थे, इसको मैं जल्दी से यार लूटिंग से टपकाता हूँ। और यार ये थोन से तो नहीं मरा, ये देखो एक विदर स्केलेटन दिया, मैं चेक करता हूँ अब यार मुझे तो लगता है एक ही दिया। चलो यार खैर है, अब यार मैं जल्दी से निकलता हूँ यार यहाँ से बाहर और यार कुछ पिगलिंग्स वगैरह से मैं ट्रेड करता हूँ। और यार देखो इस तरफ मैंने कुछ पिगलिंग्स को यार यहाँ पे ट्रैप कर लिया और यार इनको मैं जल्दी से यहाँ पे यार ये सारा सारा गोल्ड दे देता हूँ। और गाइस ये भी क्या याद करेंगे यार, इतना ज्यादा गोल्ड इन लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा जितना मैं इन लोगों को अभी दे रहा हूँ। और गाइस यार अब ये मुझे यार एंडरपल्स भी देंगे बहुत ज्यादा जल्दी, उतनी देर मैं इंतजार करता हूँ यार एंडरपल्स के आने का। यार देखो इस तरफ मुझे फाइनली एंडरपल्स नजर आई हैं और यार मैं जल्दी से एंडरपल्स को कलेक्ट करता हूँ। नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं यार नीचे की तरफ जाने का मेरा मूड नहीं है, चलो यार फिर भी चल ही देते हैं। क्या आ जाता है हम लोगों का, ये आ चुके 7 एंडरपल्स। और यार इसी तरीके से मेरे पास और भी काफी ज्यादा एंडरपल्स आ जाएंगी। देखो यार गोल्ड देखो कितना ज्यादा मेरे पास गोल्ड था यार, देखो इतना ज्यादा गोल्ड मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 5 गोल्ड की यार ओर्स को माइन करने से आया था। यहाँ पे मेरे पास 9
900 पल्स हो चुकी है यार, इसी तरीके से मैं प्रोग्रेस करता रहूंगा। और इस तरह मैंने अपना एक पोर्टल भी बना लिया है। तो यार देखो ये बेचारे पिगलिस इतनी देर से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन यार मेरे पास सारी एंड पल्स तो कंप्लीट हो चुके हैं 16 और 11। और यार मुझे अब सारे पिगलिस की जरूरत नहीं है यार, शार्पनेस का मजा चखाता हूं मैं इन लोगों को। और यार ये देखो ये एक चुटकी में गए सारे के सारे। और गाइस यार अब मैं जल्दी से यहां से बाहर निकलता हूं। और यार मैं अपनी बो को भी मैंने क्राफ्ट कर लिया, लेकिन इसको थोड़ी देर में मैं एन्चेंट भी कर लेता हूं यार ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाल के। एंड गाइस फाइनली मैं अपनी ओवर वर्ल्ड में तो आ चुका हूं। और यार मैं जल्दी से यार बो को क्राफ्ट करने की कोशिश करता हूं। अब यार इस तरह मैंने बो को रखा और यार देखते हैं इसमें कोई एन्चेंटमेंट लगी। यार ये मेरे साथ नेदर में भी हुआ था यार, नेदर में भी मैंने कोशिश की थी इसको एन्चेंट करने की। यार ये मुझे ना कोई बग लग रहा है। अब यार ये एन्चेंट होनी तो चाहिए यार, पावर आ जाती ना मजा ही आ जाना था, लेकिन अब तो ये हो नहीं पाई। और यार देखो मेरे पास इतनी ज्यादा ब्लेज रोड्स हैं, और यार मेरे पास इतना ज्यादा यार ब्लेज पाउडर भी हो चुका है। और यार जितनी भी एंडर पल्स हैं 16 बना लेते हैं। और गाइस यार अब मैं जल्दी से इस तरफ से थोड़ा सा ब्लेज पाउडर उठा लेता हूं। और यार अब हम लोग निकल पड़ते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। जल्दी से मैं इसको थ्रो करता हूं। और यार ये किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है। चलो यार इस तरफ है हम लोगों का शिकार एंडर ड्रैगन। और यार लेट्स गो, इस तरफ हम लोग बढ़ते रहते हैं। और यार देखते हैं हम लोग कितनी देर में एंडर ड्रैगन के पास पहुंचते हैं। एंड गाइस मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोगों का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो मेरे हैं बिल्कुल नीचे। और गाइस यार अब मैं जल्दी से चल के देखता हूं। यार मेरी आईओ फेंडर्स मुझे बता रही थी कि मेरे बिल्कुल नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड। और यार मैं जल्दी से चेक करके देखता हूं यहां पे है हम लोगों का स्ट्रॉन्ग होल्ड के नहीं। और यार ये देखो मैं इतना ज्यादा नीचे पहुंच चुका हूं, यहां पे ये है स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब मैं पहुंच चुका हूं यहां पे। और गाइस यार अब मैं जल्दी से चलता हूं उसको ढूंढने के लिए पोर्टल रूम को। पोर्टल रूम जब भी मिलेगा हम लोग जल्दी से जाएंगे एंडर ड्रैगन के पास और उसकी पुंगी बजा के वापस आएंगे। तो यार देखो यहां से मैं ऊपर की तरफ आया और यार ये मेरी लाइब्रेरी थी। और यार इसी तरफ मुझे एक चीज नजर आई है, ये है यार वो वाली चीज। देखो यार पोर्टल रूम के इतना ज्यादा क्रीम मुझे स्पॉन कर दिया था, एफिशिएंसी 1000 से। क्या हम लोग इसको माइन कर पाएंगे? यार नहीं यार ये नहीं हो पा रहा यार, एफिशिएंसी 1000 से भी हम लोग इसको माइन नहीं कर सकते। और यार अब मैं जल्दी से इस तरफ इसको एक्टिवेट कर देता हूं। और यार देखो वो जो सा कीड़ा मकोड़ा था उसने मेरे ऊपर अटैक किया और वो खुद ही मर गया। और यार अब मेरे पास इतना ज्यादा सामान है मुझे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यार अब मैं जल्दी से चला जाता हूं एंड वर्ल्ड के अंदर, लेकिन उससे पहले रिस्पॉन पॉइंट सेट करते हैं। और यार लेट्स गो, अब यार मुझे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं पहुंच चुका हूं स्ट्रॉन्ग होल्ड में। और यार अब मैं आराम से इस तरफ यार बाहर की तरफ निकलता हूं। और गाइस यार फिर मैं एंडर ड्रैगन की भी बहुत खतरनाक पुंगी बजाने वाला हूं, शार्पनेस 1000 से मैं एंडर ड्रैगन को मारूंगा। और यार ये देखो मैं पहुंच चुका हूं ऊपर की तरफ, यार मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। हम लोगों की जो से बो है ना ये एन्चेंटेड नहीं है, फिर भी यार एंडर ड्रैगन माफिया मांगेगा हम लोगों से। और गाइस यार अब मैं जल्दी से यार सारे सारा सामान मैनेज करके रख लेता हूं। और यार ये देखो ये है एंडर ड्रैगन का टावर। और यार इसको मैं कितनी ज्यादा जल्दी तोड़ पा रहा हूं यार एफिशिएंसी 1000 की मदद से। अब यार ये वाला जो सा इसका पिलर है इसके ऊपर मैं जल्दी से चढ़ता हूं। और यार जितने भी इसके एंड क्रिस्टल्स हैं वो जल्दी से मैं सारे के सारे तोड़ डालता हूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यार ये क्या हुआ यार, एंडर ड्रैगन ने अभी यार गलती कर दी यार, उसने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया यार? 2000 की वजह से एंडर ड्रैगन मर चुका है यार। अभी तो मैं यार इसका ये जो सा पिलर था उसको तोड़ने के लिए जा रहा था और फाइनली हम लोगों ने एंडर ड्रैगन को डिफीट कर डाला यार। एंडर ड्रैगन ने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी जो कि इसने मेरे ऊपर अटैक कर डाला यार। ये देखो 2000 की मदद से ये बेचारा एंडर ड्रैगन नहीं बच पाया। और गाइस यार अब मैं जल्दी से सारी एक्सपी को कलेक्ट करता हूं। यार अभी तक तो मैंने इसका एक भी एंड क्रिस्टल नहीं था तोड़ा यार, वहां पे इसने अपनी यार ड्रैगन ब्रेथ को छोड़ा यार, जिसकी वजह से ये बेचारा नहीं बच पाया। और गाइस यार इस तरफ देखो यार सारे क्रिस्टल्स वैसे के वैसे पड़े हुए हैं यार। पहला क्रिस्टल यार तोड़ने के लिए मैं वहां पे गया था और यार मेरा ड्रैगन मर ही गया। और गाइस यार इसका ड्रैगन एग जल्दी से कलेक्ट करते हैं। और गाइस यार अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाके इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और यार अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तब करना जब मैं ये वाले ड्रैगन एग को कलेक्ट कर लूं। 3, 2, 1। और गाइस आप लोगों ने यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अब मेरे पास आ चुका है एक ड्रैगन का एग। तो यार अगर अभी तक आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैं हर चीज को खा सकता था यार, मैंने उसमें डायमंड्स वगैरह को भी खाया था। और यार अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो यार ऊपर देखो यार आई बटन में लिंक आ रहा है, आप लोग जल्दी से जाके वो देख लो। और यार मैं चला, बाय बाय, दैट्स इट।